अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये पहले फ्रेम में आपको सारे बैग नज़र आ रहे हैं ना, जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये काम करेंगे तो ये नज़र आएगा आपको। हाँ जी चुप गए। अच्छा जी, ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, ये आई हैं थैलियाँ प्रिंट होकर। हमारे सज्जाद भाई हैं, वो ये काम कर रहे हैं माशाल्लाह। ये दो बोरे हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह देखें क्या लिखा हुआ है, बी यंग ईट फ्रेश एंड हेल्दी मीट। और इसमें देखें सामने से क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक हलाल ऑर्गेनिक मीट, कैमल बीफ मटन लैम्ब रैबिट ऑस्ट्रिच टर्की क्वेल बर्ड डक असील चिकन देसी चिकन और ऑल काइंड ऑफ फिश। अच्छा, ये थैली की असल शक्ल है। अच्छा जी, अब मैं बताता हूँ, ये इन दो बोरों में इसमें और इसमें 50 kg ये थैलियाँ हैं और ये टोटल 22,000 रुपये की बनी है। इस हिसाब से ये और 1 किलो में 70 थैलियाँ आ रही हैं, है ना भाई, 70 आ रही हैं ना, 1 किलो में 70 थैली आ रही हैं। तो जो कैलकुलेशन हमने किया उसके हिसाब से एक थैली पड़ रही 6.28 की है भाई इमरान, 6.28 की बन रही है। तो ये अच्छा, सज्जाद भाई का कहना ये है कि अगर हम सादी थैली में भेजेंगे, जैसे हम लोग तो सादी थैली में भेजते हैं अपनी मछली, तो लोग फिर रीऑर्डर नहीं करते, वो कहते हैं पता नहीं कौन है ये, और इस तरह की थैली में भेजेंगे तो लोग कहेंगे यार कोई वाकई ब्रांड है, तो इसका असर पड़ता है और रीऑर्डरिंग के ऊपर। ये थैलियाँ हैं, अच्छी क्वालिटी है, मज़बूत थैली है, इस तरह से इनका पूरा इन्होंने डिज़ाइन भी माशाल्लाह इनका अच्छा है। तो जो लोग भी स्टार्टअप्स वगैरह जो हैं इस तरह का कोई काम कर रहे हैं फूड आइटम्स, या उनको थैली की ज़रूरत है, तो इस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। और हमने जहाँ से करवाया उनसे करवाना हो तो आप रब्ता कर लीजिएगा। मैं भी सोच रहा हूँ अपने फ़िश के लिए इंशाल्लाह करवा लूँ उसको, लेकिन ये ट्रेड ऑफ है, एक मार्केटिंग का आप बजट इस पर स्पेंड करें या फिर आप सादी थैली यूज़ करें और वो मार्केटिंग का बजट जो है वो किसी और जगह यूज़ कर लें। ये दोनों बातें हैं। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।